Hi guys, welcome to our channel Law Digest. My name is Chetan and in this video I am going to teach you a very important topic of logical reasoning, that is coding decoding. देखो coding decoding एक ऐसा topic है जो लगभग हर exam में पूछा जाता है. तो अगर आप किसी भी law entrance examination की तैयारी कर रहे हैं, for example CUET, PG, MHSET, PULLB or any other exam, so this video is going to be very beneficial for you, because अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, so this is a very scoring area. So इसमें पहले मैंने कुछ previous year questions लिए हैं जो CUET, PG में पूछे गए हैं 2023 में. अब देखो coding decoding में there are different types, जैसे कि लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, यू हैव सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, बहुत सारे टाइप्स हैं. तो कुछ टाइप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. अब जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे CUET PG का, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग से सवाल पूछा गया था और ईजी सवाल है. और एक क्वेश्चन और पूछा गया था CUET PG में, दैट वॉज फ्रॉम लेटर कोडिंग. ये क्वेश्चन लेटर कोडिंग का था. तो आज के सेशन में मैं तीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, वन क्वेश्चन फ्रॉम लेटर कोडिंग, वन क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल कोडिंग एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. ये तीन क्वेश्चन हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं. चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लेटर कोडिंग. अब देखो लेटर कोडिंग होती क्या है, एक ब्रीफ में आपको पहले इसका आइडिया दे देता हूं. सो बेसिकली अगर आप ये समझो, वी हैव लेटर्स फ्रॉम ए बी सी डी टिल जेड तक हमारे 26 लेटर्स होते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज देयर पोजीशन इन मैथमेटिकल टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आई थिंक सभी लोग बता देंगे बहुत इजी है. द पोजीशन ऑफ ए इज 1, द पोजीशन ऑफ बी इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और Z की पोजीशन क्या है, इट इज द लास्ट लेटर, सो इट्स पोजीशन इज 26. सो Y की हो गई 25, X की हो गई 24. तो ये इनकी पोजीशन है असेंडिंग ऑर्डर में. सिमिलरली इन सभी लेटर्स की पोजीशन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, Z विल बिकम 1, Y विल बिकम 2, X विल बिकम 3 एंड A जो है आपका 26 बन जाएगा, B बन जाएगा 25, C बन जाएगा 24, लाइक दिस. सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग में, अगर आपको सभी लेटर्स की पोजीशन से याद है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, तो क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है. और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूं कि आप एक एक्रोनिम याद कर सकते हो, इजोटी. इजोटी अगर आपने इनकी पोजीशन याद कर ली, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं. ई की पोजीशन होती है 5, जे की पोजीशन होती है 10, O की होती है 15, T की होती है 20 और Y की होती है 25. अगर आपको ये पांचों याद है तो बाकी सारे भी आप इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हो, एक तरीके से आपका रेफरेंस का काम करेंगे. ठीक है, तो ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद है अगर टिप्स पे, तो क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज टाइम काफी कम होता है. आपको पता ही एग्जामिनेशन में वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड वेरी लेस टाइम. तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो हमको डिस्कस करना है. इन अ सर्टेन कोड कैश इज रिटन एज WYGR, तो हाउ विल यू राइट चेक इन द सेम लैंग्वेज. ठीक है, तो सब देखो ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगा कैश. अभी एक वर्ड है कैश, इसको किस तरीके से लिखा गया है. तो ये जो वर्ड है CASH कैश, इसका क्या कोड है इन द गिवन क्वेश्चन, इट इज WYGR, दिस इज द कोड. ठीक है, तो ये इसका कोड आपको गिवन है. एंड आपसे पूछा क्या गया है, आपको कोड निकालना है फॉर द वर्ड चेक. आपको एक वर्ड गिवन है चेक, इसका कोड आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन कोड है उसमें क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक इन्होंने अप्लाई किया है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है. अब सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले इनकी पोजिशन लिख लो, लेटर्स की पोजीशन लिख लो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन. सी की पोजीशन होती है 3, ए की होती है 1, एस की कितनी होती है 19 और एच की होती है 8. ठीक है, सिमिलरली जो इनके कोड्स गिवन है उनकी पोजीशन लिख लो. डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है, टी यू वी डब्ल्यू 23, वाई की होती है 25, जी की होती है 7 और आर की होती है 18. ठीक है, तो मैंने क्या करा, आई हैव जस्ट रिटन डाउन द पोजीशंस ऑफ ऑल द लेटर्स. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट क्या पैटर्न यहां पे अप्लाई हो रहा है,
या तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा और मे बी उनका सम सेम हो सकता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बट लॉजिक हैज टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे सी और डब्ल्यू, अगर इनकी पोजिशन को मैं ऐड कर दूं सो इट वुड बी 3 + 23 = 26, इनकी पोजिशन का सम 26 आ रहा है, ध्यान से देखना। सिमिलरली ए और वाई की पोजिशन को अगर आप प्लस कर दो सो 1 + 25 इट इज अगेन 26, तो सभी का सम यहां पे 26 आ रहा है एंड वी हैव क्रैक द लॉजिक, हमने लॉजिक को क्रैक कर लिया। यहां पे देखो एस और जी की पोजिशन 19 + 7 अगेन 26, तो इसलिए मैंने आपको बोला लेटर्स की पोजिशन अगर आपको याद है, टिप्स पे है अगर आपके वो, तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे, चुटकियों में कर लोगे। 8 + 18 = 26, बट ये प्रैक्टिस से ही आएगा, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें और एफिशिएंट होते जाओगे। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऐसा मतलब मेरे जो कोडिंग है उसका लॉजिक ये है कि दोनों लेटर्स की पोजिशंस का सम 26 होना चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ, अब चेक के लिए हमको कोड निकालना है। तो सबसे पहले ये जितने भी लेटर्स हैं इनकी पोजिशन दिख लो, सी की पोजिशन 3, एच की पोजिशन 8, ई की पोजिशन 5, ठीक है, क्यू की पोजिशन क्या है, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये हमारी पोजिशन आ गई, क्यू की पोजिशन क्या है, पी क्यू, तो पी होता है 16, क्यू होता है 17, देन यू की होती है 21, ई की होती है 5, ये मैंने सबकी पोजिशन लिख दी। अब मुझे ऐसा लेटर चाहिए, अब देखो ध्यान से समझना, मुझे सम, आई हैव टू मेक द सम 26, मुझे अब सम बनाना है 26, तो कैसे बनाऊंगा, 3 में क्या प्लस करूं कि 26 बनेगा 23, 8 में क्या प्लस करूं कि 26 बनेगा 18, 5 में क्या प्लस करूं कि 26 बनेगा 21, 17 में क्या प्लस करेंगे 9, 21 में 5 और 5 में 21। अब यू हैव डन द 90% क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये जो पोजिशंस है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स लिखने हैं। तो 23 किसकी पोजिशन होती है, W की, 18 किसकी पोजिशन होती है, R की, 21 इज द पोजिशन ऑफ लेटर U, 9 इज द पोजिशन ऑफ लेटर I, 5 इज द पोजिशन ऑफ लेटर E एंड 21 इज द पोजिशन ऑफ लेटर U। तो आपका कोड क्या बन गया, W R U I E U, ओके, तो W R U I E U, इट इज ऑप्शन नंबर डी, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। ठीक है, आई गेस समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको कराया है, इससे इजी भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राइट, सो दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम लेटर सीरीज और लेटर कोडिंग का क्वेश्चन था, सीरीज नहीं लेटर कोडिंग थी ये, तो कोडिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नाउ दिस सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मैथमेटिकल कोडिंग, ये जो क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन टू, ये है मैथमेटिकल कोडिंग, काफी सिमिलर ही है, लेटर कोडिंग और मैथमेटिकल कोडिंग में बहुत फर्क नहीं होता। मैथमेटिकल कोडिंग में बस मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, उतना ही हम करते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस, इन अ सर्टेन कोड एज इज इक्वल टू 35 एंड कार इज इक्वल टू 54, सो वॉट विल बी द कोड फॉर बाइक इन दिस कोड लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया लेटर्स की पोजिशन दिख लो और कुछ मत करो। देखो आपको गिवन है कार, पहले आपको गिवन है एज और फिर आपको गिवन है कार, और आपको क्या बता रखा है, एज का कोड है 35 और कार का कोड है 54। अभी जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करी है जो भी मुझे गिवन थी। अब मैं क्या करूंगा, इनकी पोजिशन लिख लूंगा, ए की पोजिशन होती है 1, सभी को पता है, जी की होती है 7, ई की होती है 5, सिंपल, आई हैव जस्ट रिटन देयर प्लेस वैल्यूज। कार पे आ जाओ, सी की पोजिशन 3, आर की 1 और ए की 1 एंड आर की होती है पोजिशन 18। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, 175 और यहां से बन रहा है 35, 3118 यहां से बन रहा है 54। I am sure कि आप में से 50% लोगों ने इसका लॉजिक गेस कर लिया होगा अभी तक। क्या लॉजिक है, 1 × 7 × 5 = 35, 3 × 1 × 18 = 54, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 35 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3, 1 and 18 इज 54। सो द लॉजिक इज दैट द कोड इज द प्रोडक्ट ऑफ
द पोजिशंस ऑफ द थ्री लेटर्स, सिंपल। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है द कोड फॉर द वर्ड बाइक, बाइक के लिए हमको कोड निकालना है। सबसे पहले इनकी पोजिशंस लिख लो लेटर्स की, B होता है 2, I होता है 9, K होता है 11, E होता है 5, E कितना होता है 5। सो नाउ द लॉजिक सेज टेक देयर प्रोडक्ट 2 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 5। नाउ प्रोडक्ट लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं, विच नंबर टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर सो दैट यू टेक लेस टाइम इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब पहले किसको मल्टीप्लाई करूं, किससे जिससे मेरे को कम टाइम लगे, वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि 9 इंटू 2 18 कर लिया मैंने, 18 इंटू 5 90, और फिर 90 को 11 से मल्टीप्लाई किया, सो द कोड फॉर द वर्ड बाइक इज 990, विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द सेशन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, विच इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग। इसमें क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम बेसिकली, लाइक रीड दिस क्वेश्चन, इफ इन अ लैंग्वेज रेड इज कॉल्ड ग्रीन। एक किसी लैंग्वेज में, मान लो किसी दूसरी लैंग्वेज में, या ऐसे मान लो किसी दूसरे प्लैनेट पे, देखो अर्थ पे, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे हम रेड को रेड बोलते हैं, ब्लू को ब्लू बोलते हैं। मान लेते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे प्लैनेट पर रेड इज कॉल्ड ग्रीन, वो लोग रेड को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन इज कॉल्ड पर्पल, ग्रीन को पर्पल बोलते हैं। ठीक है, पर्पल इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज कॉल्ड ब्राउन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्पिनच इन दिस कोड लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में स्पिनच का कलर क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि अर्थ पे स्पिनच का कलर ग्रीन है, हम लोग तो स्पिनच का जो कलर होता है ग्रीन होता है, और ग्रीन को हम लोग ग्रीन ही बोलते हैं। बट दे हैव आस्क्ड यू इन दिस कोड लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज ऑफ सम अदर प्लैनेट, ऐसा आप समझ लो सिंपलीफाई करने के लिए। सो स्पिनच का कलर है ग्रीन, बट आंसर ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ग्रीन इज कॉल्ड पर्पल, ग्रीन को पर्पल बोला जा रहा है इन दिस लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज में ग्रीन को पर्पल बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर स्पिनच का कलर तो ग्रीन होता है, लेकिन ग्रीन इज कॉल्ड पर्पल इन दिस लैंग्वेज, तो इन दिस लैंग्वेज द कलर ऑफ स्पिनच विल बी पर्पल, विच इज ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी। सो गाइस इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, बट यहां पे लिखा है इज कॉल्ड, कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है वर्ड मींस, तो वो अलग तरीके से होगा, वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो जहां पे इज कॉल्ड लिखा है वहां पे हम सिंपल इसको रीड करते हैं कि ग्रीन इज कॉल्ड पर्पल, तो आंसर पर्पल हो गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है रेड मींस ग्रीन, ग्रीन मींस पर्पल, वो हम किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गाइस आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ गुड आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, चाहे वो CUET PG हो या और कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, जहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है। तो आई होप गाइस यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसके अलावा यू कैन विजिट द वेबसाइट www.lawdigest.in, वहां पे आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको क्या क्या हम कोर्सेज में प्रोवाइड करेंगे, वहां पे सारे ही टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए गए हैं। इसके अलावा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।